हाय स्टूडेंट्स, ओके सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर। हम ही कर्म से क्रांति मैं पूर्णिमा और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आप लोगों की अपनी साइंस की क्लास में। एक बार जल्दी से सभी प्यारे प्यारे छात्र हमारे साथ यहाँ पे आगे जुड़ जाएंगे और चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम लोग अपने स्टार्ट में क्लास में क्या करने वाले हैं, मैंने आप लोगों को जैसा कि कल प्रॉमिस किया था कि एसएससी सीपीओ के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। तो आप में से जितने भी सभी प्यारे छात्र हैं एक बार सबसे पहले अपनी इस क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएं। और फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली क्लास अगले क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा बेटा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है अगर हमने उसको एक क्रिकेट बॉल से कंपेयर किया तो आप बताइए कि पूरा जो एटम है पूरा जो परमाणु है उसका साइज लगभग कितना होगा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नैंसी, हर्ष, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मान लीजिए पूरा का पूरा हमारा एटम है और ये न्यूक्लियस है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैम न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो हम 10^-15 मीटर यानी कि फर्मी में मापते हैं। और अगर हम लोगों को अपने किसका अगर हम लोगों को अपने एटम का रेडियस मापना हो तो वो हम आर्मस्ट्रांग के अंदर मापते हैं, है ना, 10^-10 मीटर में मापते हैं। अगर यहाँ पे देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, भाई देखिए ये 10^-15 मीटर यानी कि एक फर्मी मीटर, एक फर्मी, और दूसरा क्या है यहाँ से फर्मी से हमको कहाँ जाना है, 10^-10 मीटर तक जाना है यानी कि एक आर्मस्ट्रांग तक जाना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए यहाँ पे कितने जंप्स मारने पड़ेंगे मुझे, ये है 1/10^15 और ये है 1/10^10। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो देखो ये छोटा साइज है ये बड़ा साइज है। अगर मुझे छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो, छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो वी नीड टू डू मल्टीप्लीकेशन। कि अगर मैं इसको मैम 10^5 से मल्टीप्लाई कर दू, है ना, 100,000 से मल्टीप्लाई कर दू तो मेरा काम बन जाएगा, यही होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारा क्या रहेगा, हमें जो भी डिफरेंस लेके आना है यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस रहा होगा और जो हमारा पूरा का पूरा एटम है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 100,000 मीटर का होना चाहिए, है ना, यानी कि 100,000 यूनिट्स का हमारे को यहाँ पे फर्क देखने को मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है ना वो किसमें है, 5 के टर्म्स में, इसका मतलब 5 तो कॉमन फैक्टर रहेगा। अब बात आ जाती है किस चीज की, अब बात आ जाती है कि मैम इनमें से हमें यहाँ पे किलोमीटर्स में आंसर दिया गया है यानी कि हमें किलोमीटर में बताना है यानी कि 0.5 किलोमीटर, 0.005 किलोमीटर, 0.05 किलोमीटर और या 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अब इसको निकालेंगे कैसे, सिंपल सी चीज है कि मैम ये अगर हम यहाँ पे किलोमीटर्स में बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज से अगर मुझे किलोमीटर में जाना है, किसी भी चीज से किलोमीटर में जाना है तो इस यहां पे मुझे क्या चाहिएगा, वहां पे मुझे 5 0 जब लगानी पड़े यानी कि 5 बार जंप मारने पड़े। ये क्वेश्चन ना एकदम मिक्सचर कर दिया है किस चीज का, ये क्वेश्चन एकदम मिक्सचर कर दिया है यूनिट्स और मेजरमेंट का और साथ साथ केमिस्ट्री का। एनसीईआरटी क्लास 9 की ये लाइन है टेक्स्ट बुक की और उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें बनती है। अब देखो मैंने आप लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक चीज पढ़ाई थी, क्या एमसीडीएम डीएचके, है ना, तो एमसीडीएम DHK यानी कि अगर मुझे सेंटीज से कहाँ जाना है किलोमीटर तक जाना है तो मुझे कितने जंप मारने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, 5 जंप मारने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है मैम, जो हमारी रेडियस ऑफ बॉल होगी ना वो किस में रही होगी, सेंटीमीटर में। तो अब आप सोचिए आपके जो बॉल रहा होगा या जो न्यूक्लियस रहा होगा वो क्या होगा, वो सेंटीमीटर में मापा जा रहा है, ठीक है, और जो आपका ग्राउंड है वो किलोमीटर्स में मापा जा रहा है। तो आप सोचिए वो जो न्यूक्लियस होगा उसका साइज हम कितना मान सकते हैं, कहोगे मैम वो जो न्यूक्लियस होगा उसका साइज अगर हम बॉल से इसको कंपेयर कर रहे हैं क्रिकेट बॉल से तो आपके पास जो क्रिकेट बॉल होती है आप उसका साइज किस में मापोगे, क्रिकेट बॉल का साइज, क्या आप किलोमीटर में माप सकते हो जो इतनी सी क्रिकेट बॉल होती है उसका साइज, कहोगे नहीं। अरे आप क्रिकेट बॉल छोड़ो, ये एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है, आप इसका साइज अगर मैं आपको स्केल दूं तो आप किस में माप के बताओगे मुझे, कहोगे मैम हम सेंटीमीटर में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एग्जैक्टली नाप सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही आपका बॉल होगा और वो बॉल जो है उसको मापने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब मुझे यहाँ सेंटी से किलो तक जाना है तो अगर मैं स्ट्रेट वैल्यूज लू सीधा सीधा 5 सेंटीमीटर हमारी बॉल का साइज रहा होगा और 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, हमारे पूरे क्रिकेट स्टेडियम का साइज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके कंपैरिजन करेंगे, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बनेगा, 5 किलोमीटर। अब देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन बेशक टफ लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन थी। सिंपल चीज है, आपका जो रेडियस होता है किस चीज का, न्यूक्लियस का, वो फर्मी में मापा जाता है। किसमें? फर्मी में मापा जाएगा। और जो आपका पूरा का पूरा वो होगा, एटम होगा, उसका साइज आर्मस्ट्रांग में मापा जाता है। ठीक है, किसमें? आर्मस्ट्रांग में इसको मापा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको सिंपल कंपैरिजन करना है जब आप एमसीडीएम डीएचके करते हो। देखो बहुत ध्यान से दोबारा कि मैम एमसीडीएम डीएचके यानी कि मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टा किलो। तो यहाँ पे मेरे को किलो तक पहुंचना है, तो किलो से मुझे 5 जंप मारनी है। कहाँ पहुंचूंगी? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि सेंटी और किलो के बीच में क्या है, 5 जंप्स का फर्क है, यानी कि 10^5 का फर्क है, 1 लाख का फर्क है। और इसी वजह से हमारा यहाँ पे सटीक आंसर क्या बनेगा कि मैम हम जब जनरल ऑब्जर्वेशंस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का हमारा न्यूक्लियस रहा होगा, 5 किलोमीटर का क्या रहेगा, पूरा का पूरा एटम रहेगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से कहता है द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दो वस्तुएं हैं, ये वस्तु ए, ये वस्तु बी। इस वस्तु ए का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वस्तु बी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस का इनका डिफरेंस हो गया। अब आपसे पूछा है कि यही जो डिफरेंस है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना रहा होगा, ये जो डिफरेंस है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना रहा होगा। जल्दी से देखिए कौन कौन बच्चा आंसर करेगा। बफरिंग हो रही है? नहीं बच्चा, मेरे ख्याल से बफरिंग नहीं हो रही होगी। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी को राम राम, नमस्ते शिवा, ओके विशाल, नैन्सी, हर्ष, एसीपी पांडे, पूनम, पूनम आज आप खुद देखिए टॉपिक्स को और फिर आप खुद देखिएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, हम लोग तो बार बार बताते ही रहते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज आप लोग खुद देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलिए 54, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का 54 एकदम करेक्ट आ रहा है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो अगर मुझे इसको डिग्री फ़ारेनहाइट पे करना होता मैं क्या करती, 9/5 × 10 = 32। और अगर मुझे इसको क्या करना होता, डिग्री फ़ारेनहाइट पे करना होता, 9/5 × 40 = 32। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। अगर मैं यहाँ पे देखू मैम ये 32, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती, ये टर्म में से इस टर्म को माइनस करती, तो क्या होता मैम, 32 से 32 कैंसिल हो जाता और हमें जो डिफरेंस मिलता वो मिलता 9/5 40 - 10 का, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप इसका क्या करोगे मैम, 40 - 10 गया 30 हुआ, यानी कि यही 30 वैल्यू इंटू 9/5। ठीक है, सिंपल वैल्यू था। तो डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हो कि जो भी डिफरेंस आप लोगों को दे रखा हो उस डिफरेंस को सीधा 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। और अगर पेपर में ये ना याद रहे तो बस सिंपल कैलकुलेट कर लेना कि कोई भी दो हाइपोथेटिकल नंबर्स ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 और 40 डिग्री सेल्सियस ले लिया जिनका डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस है और उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 5 × 6 = 30 यानी कि 9 × 6 = 54 का फर्क आ जाएगा आपके उन दो तापमानों में अगर उनके बीच में क्या है 30 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी सवाल है, ये मैंने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। ओके वेरी गुड, एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे और जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं अपने आप क्लास को लाइक करते जाना, आज आपके क्लास के अंदर अंदर ही मुझे 100 लाइक्स चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से देखिए। हाँ अंकिता, चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, फेमटो का मतलब क्या होता है, 10^5 कितना। तो देखिए फेमटो का मतलब होता है फर्मी, फर्मी या फिर फेमटो एक ही बात होती है। ठीक है, ये फर्मी मीटर या फेमटो, फर्मी मीटर कितना होता है 10^-15 मीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मैम, एक फेमटो कितना हो जाता है 10^-15 मीटर। अच्छा अगर आपसे 10^-9 मीटर पूछा जाता तो वो कितना हो जाता, नैनो हो जाता। अगर आपसे 10^-6 मीटर पूछा जाता तो वही क्या हो जाता, माइक्रो हो जाता। अगर आपसे 10^-3 मीटर पूछा जाता वो आपका मिली हो जाता। ठीक है, अगर 10^-12 पूछ रहा है वो आपका पीको हो जाता है। ध्यान रखोगे, इस प्रकार से आपसे चीजें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स द सेम क्वांटिटी एज दैट ऑफ द एज दैट मेजर्स बाय एसआई यूनिट पास्कल। अरे
सीधा सवाल है कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी इकाई है जो क्या कर रही है, जो पास्कल द्वारा जो चीज मापी जाती है उसी को मापने का कार्य करती है। देखिए वॉट है ऑप्शन में, टॉर है, न्यूटन है और जूल है। वॉट का काम क्या होता है? आप कहोगे कि मैम वॉट जो होता है ये पावर को मापने का कार्य करता है, और क्या करता है, यह आपका प्रेशर को मापने का कार्य करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं न्यूटन की, तो न्यूटन क्या करता है, फोर्स को मापने का कार्य करता है, और जूल क्या करता है, या तो ये एनर्जी को मापने का कार्य करेगा, यानी कि या तो ये ऊर्जा को मापने का कार्य करता है, या फिर किसको मापेगा, कार्य को मापेगा, यानी कि वर्क को मापेगा। अब आप खुद सोचिए जो पास्कल होता है ये क्या है, किस चीज को मापने की इकाई है? तो आप क्या कह दोगे, मैम प्रेशर को मापने की इकाई है। तो इनमें से दाब को मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर पास्कल नहीं है तो आप टॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे भी क्वेश्चंस, और अब आप देख रहे होंगे कि मैम यूनिट्स एंड मेजरमेंट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन हलवा होते हैं, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द ऑयल ड्रॉप इज सब्जेक्टेड टू सच फोर्सेस हूज नेचर डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश। बताइए मिलिकन के तेल छिड़कने के प्रयोग में तेल बूंद पर शक्तियों की प्रकृति निम्न श्रेणी के अधीन नहीं आती। यानी कि देखो ये है आर ए मिलिकन, यानी कि रॉबर्ट ए मिलिकन द्वारा किया गया तेल बूंद प्रयोग। इसमें इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में यहां से तेल को छिड़कना शुरू किया, स्प्रे करना शुरू किया। यहां पे इन्होंने कुछ चार्ज प्लेट्स लगा दी, ठीक है, जिंक की चार्ज प्लेट्स लगा दी, और इसमें से क्या हुआ, एक छोटा सा छेद कर दिया जिससे तेल की बूंदे यहां से यहां जा पाए। जब ये तेल की बूंदे यहां से यहां जा रही थी, यहां पे इन्होंने क्या किया, एक आयोनाइजर डाल दिया जिससे एक्सरेज निकल रही थी, और वो जो एक्सरेज है वो इस तेल की बूंद को चार्ज कर देती है। कैसा चार्ज करेंगी, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे इन्होंने सर्किट चला दिया, सर्किट मतलब कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे प्ले होने लगा। जब इस तरीके से चीजें हुई, अब आप खुद सोचो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मैम ये तेल है, ये चिपचिपा है, क्या इस पे विस्कोसिटी लगेगी? कहोगे यस मैम यहाँ पे विस्कोसिटी लगेगी, तो इसका मतलब ये बल तो लग रहा होगा। अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, ये तेल की बूंद नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है। कहोगे यस मैम गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रही है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तीसरा देखिए, क्या यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट किया? कहोगे यस मैम। अच्छा यहाँ पे चार्ज जो प्लेट्स थी, तो चार्ज प्लेट के अंदर क्या है, आपका जो तेल है अब उस पर क्या हो चुका है, चार्जेस क्रिएट हो चुके हैं। चार्ज प्लेट का फायदा क्या था, देखो जब इसको हमने आयोनाइज किया है, नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगी, अपनी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। इसी वजह से हमने क्या किया, इसी वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मैम क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है, इसलिए यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल भी है, लेकिन लास्ट में आ जाता है मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे हमने कहीं पे भी मैग्नेटिज्म की बात नहीं करी, यहाँ हमने मैग्नेटिज्म को प्ले होते हुए नहीं देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपना रोल प्ले कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि मैम यही एक ऐसा फोर्स है जो यहाँ पे नहीं लग रहा है, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो संजना पटेल का आंसर एकदम सही था, अजय ने कोई बात नहीं आज आंसर गलत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। जल्दी से बताइए पोलियो जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी क्या, कि जिद्दी रेखा हमें एक बार पीछे छोड़ के चली गई, क्या था ये, इसके अंदर क्या था, आप क्या कहोगे कि मैम जिद्दी का मतलब हो जाता है यहाँ पे क्या, जिद्दी का मतलब है जीका वायरस, रेखा का मतलब है रेबीज और खसरा, एक का मतलब है एड्स, ठीक है, क का मतलब है कोरोना से रिलेटेड जितनी भी सारी बीमारियां हैं, ठीक है, सार्स हो गया, मर्स हो गया, और इसके अलावा कोविड हो गया, ठीक है, बार से क्या आ जाता है, बड़ी माता और रूबेला, ठीक है, और पीछे से हो जाता है, पी का मतलब क्या है यहाँ पे, पोलियो। तो पोलियो क्या है बेटा, वायरस जनित रोग हो जाता है, विषाणु जनित रोग हो जाता है, किसके कारण होता है, तो क्या कहोगे मैम, पोलियो मेलाइटिस वायरस के कारण, पोलियो मेलाइटिस वायरस के कारण, विषाणु के कारण यह होता है, यानी कि रोगजनक कौन है, पोलियो मेलाइटिस वायरस।
मैम ये वायरस हम तक कैसे पहुंच सकता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये गंदे पानी के माध्यम से सबसे ज्यादा फैल सकता है, यानी कि अगर आप गंदे पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं और वहां पे ये वायरस सबसे ज्यादा पनपता है, और तब आपके शरीर में क्या कहां इंटर करेगा, अटैक कहां करता है, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। और उस टाइम पे क्या होगा, तंत्रिका तंत्र में क्या होगा, आपके जो शरीर के ऑर्गन्स है, स्पेशली जो लिम्ब्स है, ठीक है, सब स्पेशली जो आपके हाथ पैर हैं, उनको प्रभावित करता है, ठीक है, हाथ पैर में जो तंत्रिकाएं होती हैं उसको प्रभावित करेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, इंसान के अंग या तो विकसित नहीं हो पाएंगे या ढंग से कार्य नहीं कर पाते, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दवा है, दवा का नाम क्या है, दवा का नाम है सेवन ड्रॉप्स, जो क्या है, जो आपकी ओरल वैक्सीन है, ध्यान रखना मौखिक टीका है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी दवा के लिए मौखिक टीका दिया जाता है, मौखिक टीका दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मौखिक टीका सेवन ड्रॉप्स है। किसके द्वारा बनाई गई, जोहान सॉल्क के द्वारा ये बनाई गई थी। सारी की सारी हमने यहाँ पे रिविजन कर ली है अपने पूरे पोलियो की, अगर किसी को स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिएगा जल्दी से एक बार। ये वीकेंड वायरस होता है, ठीक है, ये जो हम सेवन ड्रॉप्स देती है ना, ये कैसा होता है बेटा, वीकेंड वायरस होता है, यानी कि ये वायरस वीक हो चुका होता है, इसके पास ज्यादा ताकत नहीं होती है, इसी वजह से हमारा शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। और इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली अपने शरीर के अंदर कि आगे कभी ऐसा ही वायरस हमारे अंदर आए तो हमारे सोल्जर्स को पता होगा, हमारे WBC को पता होगा इसको कैसे मारना है। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर कीजिए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट आइंस्टेंटेनियम। एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे, यानी कि उनको रिगार्ड देने के लिए इस एलिमेंट को निकाला गया, ठीक है। सीपीओ के अंदर ना इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछे गए, बताती हूँ क्या। एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि आइंस्टेंटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इससे जस्ट अगली शिफ्ट में आइंस्टेंटेनियम का सिंबल पूछ लिया। तो आइंस्टेंटेनियम का सिंबल है ES। कौन से ग्रुप में ये पाया जाता है, तो ध्यान रखना एक्टिनॉइड है, यानी कि ये क्या होगा, ये आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वाली जो सीरीज होती है ना F ब्लॉक की, उसके अंदर ये मिलता है। ये है लेंथेनॉइड्स और ये है एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्टिनॉइड होता है और ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है। कैसा है, ये डी ब्लॉक का तत्व होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 99 हो जाता है। कैसा, 99 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 99, इसका सिंबल ES हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप बहुत ध्यान से देखो, इसके जो बाह्य कक्ष के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 5F11 में पाए जाते हैं, यानी कि ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब हम उसको इतनी डिटेल में देखते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि लास्ट जो आपका एलिमेंट है, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा, वो आपका कौन से ब्लॉक में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे 5F का मतलब क्या है कि आपका ये F ब्लॉक में देखने को मिलेगा। डन है ये, कितना आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फेक्शन रिलेटेड टू डैश। जल्दी से बताएंगे कि कंजक्टिवाइटिस जो है वो इनमें से किस से संबंधित है, आमाशय से, हृदय से, आंख से या घुटने से। हाँ 99 करेक्ट, ऐसे खुश हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए जो कंजक्टिवाइटिस होता है आजकल वैसे भी काफी ज्यादा फैल रहा है, ध्यान रखिएगा, इसको पिंक आई के रूप में भी जानते हैं। किस नाम से जानते हो, पिंक आई के रूप में। देखिए ये वायरल भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये वायरल हमें देखने को मिलता है भारत के अंदर, ठीक है। कैसा, ये मुख्य रूप से वायरल देखने को मिलता है भारत के अंदर। अब इससे क्या होता है, हमारी आंख जो होती है ना, इसमें व्हाइट वाला पार्ट है, इसको कहते हैं स्कैल। इस स्कैलरा के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, और ये जो कंजक्टिवा होती है ना, ये क्या करती है, हमारी आंखों को नमी प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। अगर आप अपनी कभी आंखों को बहुत ध्यान से देखो तो उसमें क्या होता है, आपको एक फील होता होगा नमी है, ठीक है। आपकी जब भी आईलिड इसके ऊपर मूव करती है, आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होता कि आंख जो है सूखी हुई है ना,
अगर सिर्फ थैलमिया हो जाए तब ऐसा हो सकता है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है हमारी आंख एकदम हमको थोड़ी सी कैसी रहती है कि ल्यूब्रिकेटेड है ना, ल्यूब्रिकेटेड है, उसमें पानी मतलब मॉइस्चर कंटेंट अच्छा है। तो ऐसा जो ये जो कार्य है ना मॉइस्चर कंटेंट प्रदान करने का, ये कंजक्टिवा का होता है, ठीक है। और यही जो कंजक्टिवा है ये आपकी आंख की लेयर है, और जब कंजक्टिवा का आइटिस हो जाए, आइटिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन, ठीक है, क्या है ये, इन्फेक्शन। तो अगर आइटिस हो जाए कंजक्टिवा का तो उसको हम क्या कह देंगे, आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवा हो गया है। ध्यान रखोगे अपनी आंखों को थोड़ा सा बचा के रखें, अगर आप किसी के संपर्क में आ रहे हो जिसको कंजक्टिवा है तो ये आपके टच से फैल सकता है, ठीक है। मतलब ये मुश्किल से ऐसे आप ये मान लीजिए कि बहुत रेयर चीज है कि ये क्या हो जाए, ये वायु के माध्यम से फैल जाए, मुख्य रूप से टच से फैलता है। जैसे मान लीजिए मुझे कंजक्टिवा हुआ, मैंने ऐसे आंखें टच कर ली, टच करने के बाद आपसे हाथ मिला लिया, तो अब क्या होगा, ये वायरस आप तक पहुंच गया, तो आपको अब क्या रहना है, सावधान रहना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से बताएंगे आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या है। मैंने कल आप लोगों को शायद क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको बताया था कि बेटा देखो 2020 के पेपर में ये चीज रिपीट हुई थी, जो क्या है, जो आपके रिसेंटली किसमें आई थी, कल कौन सा पेपर देखा था हमने, सीजीएल का ना, याद है, और सीजीएल के अंदर सेम ऑप्शंस देखो, क्या यही ऑप्शंस नहीं थे सेम, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है यहाँ पे ताकि आपको याद तो रहे। देखो ये एक्टेनियम का आंसर है, एक्टेनियम, ये एन कुछ नहीं है, एएस का मतलब है आर्सेनिक, एआर का मतलब है आर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आर्सेनिक जो है वह आपका केमिकल सिंबल क्या हो जाता है, एएस हो जाता है। और आपके, सुनो सभी बच्चे कान खोल के ध्यान से बात सुनो, कि आपके ये मत सोचिएगा कि अगर मैम सीपीओ का पेपर करा रहे हैं तो ये तो हमारे काम का नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ कि जो एसएससी है वो अपने क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर देती है कहीं से भी, तो थोड़ा सा अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कीजिए, रेगुलर क्लास करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डैश। भाई एक वस्तु है, इस वस्तु को, ये वस्तु कैसी है, इसके ऊपर फोर्स लगा एफ, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और डिस्टेंस इसने कवर किया एस, ठीक है। तो आप हमको ये बताएं कि इसके ऊपर जो पावर लग रही होगी वो कितनी होगी, पावर कितनी होगी, शक्ति कितनी होगी। तो आप क्या कह दोगे कि मैम देखिए ये जो हमारा फोर्स है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब हम करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। हम कहेंगे सिंपल सी चीज है कि भैया जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपने मल्टीप्लाई किया, आपने किसी वस्तु को धक्का लगाया, वो अपनी जगह से कितनी विस्थापित हुई, इसका जो गुणनफल है वो हमको कार्य देता है। लेकिन हमसे पूछा तो क्या है, हमसे पूछा तो शक्ति है, तो कार्य के से क्या हम शक्ति तक पहुंच सकते हैं, यस, कार्य बटे समय, अरे कितनी देर में इस कार्य को किया, यहाँ पे टाइम भी तो बताना पड़ेगा कि मैडम 10 सेकंड में ये काम किया तो ये टाइम यहाँ पे आ गया। तो अब कार्य बटे समय वो क्या हो जाता है, कार्य बटे समय हो जाता है शक्ति, है ना, पावर। तो आपसे यही तो पूछा है। अब देखो कहोगे मैम लेकिन यहाँ पे तो फोर्स को मल्टीप्लाई करना है शक्ति से, अरे तो दिक्कत क्या है बेटा, दिक्कत क्या है, ये लो आ गए डिस्प्लेसमेंट वाले, बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट वाले, बेटा सिंपल फॉर्मूला है, क्या कर रहे हो, मैंने बोला पावर का फॉर्मूला है वर्क बटे समय, बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बटे समय। अब फोर्स बटे समय तो कुछ होता नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बटे समय कुछ होता है, कहोगे यस मैम विस्थापन बटे समय होता है वेलोसिटी, है ना, क्या है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी हो जाएगा, वेग हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला फोर्स गुणा वेग। बात समझ रहे हो कैसे हम इस चीज को निकाल सकते हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वह 10 ऑसिलेशंस करता है कितने सेकंड्स में, 1 सेकंड में, तो आप ये बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी किलोहर्ट्ज़ में, जल्दी से बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में कितनी होगी। देखिए सबसे पहली चीज है हमें यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसकी आवृत्ति निकालनी है,
आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आप क्या कह दोगे कि मैम देखिए ये एक वस्तु है, ठीक है, ये क्या कर रही है, कितने दोलन कर रही है, 10 दोलन कर लिए इसने एक सेकंड में, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? बेटा दोलन का मतलब सिंपल, ये अगर मैं ग्राफ से दिखाऊं, इसने क्या किया, यहां से यहां तक एक सेकंड का समय था, ये इतना समय क्या है, एक सेकंड का समय है, इस एक सेकंड में इसने क्या किया, 10 कंपन कर लिए, 10 बार इधर उधर हो गई, ठीक है। इसको हम कह देंगे कि बेटा एक सेकंड में ये जितना चली ना, या जितनी बार इसने खुद को रिपीट किया, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, आप कह दोगे मैम फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम, ठीक है, क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम, कितनी ऑसिलेशंस करी, कितने दोलन किए इसने, कहोगे मैडम 10 दोलन किए, अच्छा कितने समय में किए, एक सेकंड में किए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बेटा, 10 हर्ट्ज हो गई। हमने कहा ठीक, तो आंसर क्या 10 हर्ट्ज करोगे, कहोगे नहीं मैडम यहाँ पे हमसे किलो हर्ट्ज में पूछा है, तो किलो हर्ट्ज में कर देते, क्या दिक्कत है बेटा, हर्ट्ज से कहाँ जाना है, किलो हर्ट्ज में, तो ये 10 हर्ट्ज से कहाँ जाना है, किलो हर्ट्ज तक, क्या करोगे जल्दी से बताओ, क्या करोगे मैम, छोटे से बड़े पे जाना है, है हमें क्या करना है, हमें छोटे से बड़े पे जाना है, तो यहाँ पे हम लोग देखो 3 बार हमको मल्टीप्लाई कर वो करना पड़ेगा, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल काम है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मैम हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज पे जाने के लिए मुझे 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 10 से मतलब 10 से 10 कैंसिल और मुझे वैल्यू क्या मिल गई, 0.01 किलो हर्ट्ज, कितना आ गया, 0.01 किलो हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक हो जाता है। किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें, कोई बच्चा जिसको समस्या है इसमें, कहोगे मैम यहाँ पे हमने 1000 से क्यों डिवाइड किया, बेटा सोचो मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो आप क्या कहोगे मैम, 1 किलो का मतलब होता है, 1 किलो का मतलब है 10^3, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हर्ट्ज लगा दूं तो 10^3 हर्ट्ज हो जाएगा, तो वही तो हमने किया है, 10 हर्ट्ज से हमें 1 किलो हर्ट्ज तक जाना था, छोटी से बड़ी इकाई पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखोगे। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आयरन नेल बिकम्स डैश आफ्टर डिपिंग इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखो कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने से लोहे की कील डैश हो जाती है, नीली हो जाएगी, हरी हो जाएगी, धूसर हो जाएगी, भूरी हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो गया ऋषि, हाँ जल्दी से बताओ क्या आंसर करोगे, आप क्या कह देंगे कि मैम देखिए जो आयरन नेल होती है ना वह क्या है, वह कैसी हो जाती है, अच्छा देखो आप लोग इतने इसका आंसर करो, इतने मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, कि भैया आप सभी बच्चे ऐलान इवेंट से तो जुड़ ही चुके होंगे, है ना, तो ऐलान इवेंट के अंदर आप लोगों के लिए क्या आ चुका है, ऐलान इवेंट के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन आपका एसएससी के लिए कोर्सेज आ चुके हैं, ठीक है, तो आप में से जितने भी बच्चे हैं अगर आप उन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है, एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप क्या कर सके, आप अपने जो भी डिजायर्ड पोस्ट हैं आप उन तक पहुंच सके, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पे जाके जो है ना अपने इस बैच को परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो अपना ऐलान है इसमें एसएससी सीपीओ, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से एग्जाम के लिए है ऐलान आपका, एसएससी सीपीओ सीजीएल और इसके अलावा सीएचएसएल के लिए है, और एक फाउंडेशन बैच है, अभी यहाँ पे 60% डिस्काउंट चल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, कितना अभी यहाँ पे 60% डिस्काउंट चल रहा है, कैसे कोड लगाने पे, तो ध्यान रखना अगर आप एसएससी 60 कोड लगाते हो तो आप लोगों को इस कोड को लगा के अपना क्या करना है, 60% डिस्काउंट ले लेना है और अपने इस बैच को परचेज आप लोग कर सकते हैं। अब देखो बात आ जाती है क्या कि मैम हम जाएं कैसे, तो देखिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर के लिए अपनी पूरी डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम फोन नंबर वगैरह, ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर आप लॉग इन हो जाएंगे, लॉग इन होने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको ना यहाँ पे एक डिटेल फॉर्म दिख रहा होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल फाउंडेशन बैच, ठीक है, तो
तो आप जो है इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा और इस स्टेप में जाके आप यहाँ पे पेड कोर्सेज पे जाइएगा, पेड कोर्सेज में बाय कोर्स कर लीजिएगा, यहाँ पे कूपन लगा लीजिएगा जरूर SSC 60। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट आपकी फिर सक्सेसफुल हो जाएगी जब आप पे कर देंगे, ठीक है, अपना UPI पिन वगैरह डाल के। तो ये क्या है, ये हमारा तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इस बैच से जुड़ सकते हैं। और अगर स्टिल आपको कोई भी इशू आता है अपनी इस क्लास को करने में, अपने इस बैच को जोड़ने में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर अपना व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आप लोगों से कॉन्टेक्ट करके आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये बैच बहुत ही बेहतरीन है और आपकी जो बेहतरीन टीचर्स है वो इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं। अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपने लोहे की कील को क्या करा बच्चे, आपने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला। पहली चीज, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का रंग कैसा होता है मैम, तो ध्यान रखिएगा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का रंग होता है नीला। अब ये जो नीला रंग है इसके अंदर आपने कील डाली, ठीक है। ये जो कील है बाय डिफॉल्ट कैसी होती है, आपको ये थोड़ी सी स्टील जैसी, मतलब ऐसे आपको लोहे का रंग पता ही है, ठीक है, वैसी सी दिखाई देती है। फिर जब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट है उसके साथ हमने फेरस का रिएक्शन कराया और हम लोग जब अपना एक कोड पढ़ते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ प्लीज, तो इसमें हम देखते हैं मैम फेरस और कॉपर, इनमें से ताकतवर कौन है, कहोगे मैम फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा पावरफुल है। तो ये फेरस क्या करेगा, ये फेरस आके इस कॉपर को लात मार के इसकी जगह खुद बैठ जाएगा। अब कॉपर क्या होगा, बेचारा जॉबलेस हो जाएगा, यूं ही घूमता रहेगा। तो अब वो जो कॉपर है वो चढ़ जाएगा इस कील के ऊपर और जो आयरन है वो किसके साथ मिल जाएगा, सल्फेट के साथ मिलके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देता है। तो ये जो आपका सोल्यूशन है ये हो गया ग्रीन, लेकिन जो आपका ये कील है वो कैसी होगी, कॉपर के रंग जैसी हो गई, यानी कि ब्राउन कलर की हो जाती है। तो अब आपसे यहाँ पे सवाल क्या पूछा था बेटे, क्या कहोगे कि मैम हमसे यहाँ पे पूछा कि जो लोहे की कील है वो कैसी हो जाती है, तो वह हो जाती है आपकी ब्राउनिश हो जाती है, कॉपर के कलर की हो जाती है। यहाँ पे जो अभिक्रिया लगी वो थी विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया लगी है यहाँ पे, विस्थापन अभिक्रिया लगी है, ठीक है। और यहाँ पे फेरस सल्फेट का जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा हरा, ठीक है। तो पेपर के लिए ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में आपसे क्या पूछा गया है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन को आंसर ना कर दीजिएगा, जो चीज एक्चुअल में पूछी गई हो आपको उसी का आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, बताइए इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, कि भाई देखो ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि दाब और ताप के कारण, दाब और ताप के कारण क्या होता है कि आप किसी भी, जैसे कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वह क्या हुआ, वह पृथ्वी के नीचे दब गया, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर बहुत सारा टेम्परेचर और प्रेशर लगा जिसकी वजह से वहां पे मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, वहां पे चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर, और चेंजेस होने पे ये क्या बन जाएगा, ये आपका जीवाश्म बन जाएगा, ये आपका फॉसिल बन जाता है। फॉसिल दो प्रकार के हो सकते हैं भैया, जैसे अगर हम मुख्य रूप से देखें आपको कोल देखने को मिलता है, यानी कि कोयला, और दूसरा क्या मिलता है आप लोगों के लिए, पेट्रोलियम, ठीक है। ये जो पेट्रोलियम है ये क्रूड ऑयल से मिलेगा, क्रूड ऑयल का जब हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल का जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें हमको बाइटुमन मिलता है। बाइटुमन रोड पे जब आप वो डामर बिछाते हो ना, ठीक है ना, कंकड़ी जब बिछाई जाती है, रोड बनाई जाती है, तो उस टाइम पे डामर, डामर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब उसी डामर में अगर हम क्या करें, थोड़ा सा रेत मिला दे तो एस्फोल्ट बन जाता है। पेट्रोलियम की बात करें मैम, हमें सिंपल पता है कि यह क्या है, यह जीवाश्म से ही बना है। लेकिन जो बायोमास है, बायोमास का मतलब क्या है, जितनी भी जैविक चीजें हैं, जैसे देखो वो तो क्या है, डामर है, मतलब वो तो बाइटुमन है, ठीक है, या एस्फॉल्ट आप उसको कह सकते हो। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, लकड़ी हो गई, जितने भी क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनका जो रेजिड्यू है, जो ठूट रह जाते हैं खेतों में, इसके अलावा जो भी आपके एनिमल या फिर प्लांट के ऑयल्स होते हैं, इसके अलावा जो भी आपके गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, ठीक है, सीवेज है, और जो एनिमल का पॉटी है, ठीक है, वो सब चीजें क्या है, वो सब चीजें बायोमास है।
मतलब हम इन सब चीजों से एनर्जी निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बायोमास एनर्जी हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनसे कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कह दीजिएगा मैम, बायोमास जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए आ जाता है कि हु इज रेफर्ड टू एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन कार्य करता है अपने फील्ड में, तो हम जो है ना उसके चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके के नाम से उनको विभूषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं अभी हाल ही की बात करूं, लास्ट ईयर के दिसंबर में ईओ विल्सन जी का देहांत हुआ था। ठीक है, आप में से कोई बच्चा जानते हो ये कौन है? देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे ईओ विल्सन जी की बात करूं, इस बार एक के पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि ये कौन है, ये मर्मेकोलॉजिस्ट है। मर्मेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो चींटियों के ऊपर अध्ययन करते हैं, पूरी चींटियों की कॉलोनीज के बारे में रीड कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे हैं, तो ये मर्मेकोलॉजिस्ट है। ठीक है, यानी कि चींटियों का अध्ययन करते थे। इसके अलावा इनको हम जैविक सिद्धांत या जैव विविधता का जनक भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते हैं हम इनको, जैव विविधता का जनक भी कहते हैं। और हर चीज इंडियंस ही नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत क्रेडिट बाहर वालों को भी दे दो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो बेटा, हर गोविंद खुराना जी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है अर्नेस्ट मेयर जी। ठीक है, हर गोविंद खुराना जी ने जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कार्य किया था, वो आपका डीएनए से रिलेटेड कार्य किया है। ठीक है, तो वहां पे हम उनको क्रेडिट्स देंगे, बहुत सारे क्रेडिट्स देंगे, और बहुत ही इंटेलिजेंट क्या थे ये आपके साइंटिस्ट थे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा चूक गए हैं। तो अर्नेस्ट मेयर जी जो है वो कौन है, वो एक्चुअल में हो जाते हैं आप लोगों के लिए फादर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यूडर्मा मैक्युलेटम इज द नेम गिवन टू स्पॉटेड डैश। बताइए, यूडर्मा मैटिकुलम जो है मैक्युलेटम जो है वह किसको नाम दिया गया है? देखो, ये जो आपका जीव है ना, इसके जीव के शरीर के ऊपर क्या होता है, चकते पाए जाते हैं सफेद रंग के। ठीक है, इसीलिए हम इसको यूडर्मा कहते हैं, किसकी स्किन के ऊपर क्या है, चकते हैं। तो ये देखिए, ये चमगादड़ का नाम है एक प्रकार के। ठीक है, वैसे जो चमगादड़ होता है, अगर हम उसकी बात करें, वो क्या होता है, काइरोपेट्रा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, काइरोपेट्रा होता है। आपने काइरोफिली सुनी होगी, काइरोफिली सुनी होगी। तो काइरोफिली क्या होता है, चमगादड़ द्वारा परागण। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि काइरोफिली क्या है, तो ध्यान रखिएगा, चमगादड़ द्वारा परागण को हम काइरोफिली कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हेलिएटस ल्यूकोफिसिलस, ये क्या है, ये ईगल का नाम होता है। ठीक है, किसका नाम है, ये ईगल का नाम है। और वुल्पस, ये तो खैर हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये लोमड़ी का नाम होता है, ये फॉक्स का नाम होता है। और रेटस नॉर्पेजियस जिकस, ये क्या है, ये चूहे का नाम होता है। तो ये कुछ कुछ नाम है, इनमें से वुल्पस अच्छे से ध्यान रखिएगा, काइरोपेट्रा अच्छे से ध्यान रखिएगा, और रेटस नॉर्वे मतलब रेटस करके ध्यान रखिएगा, बाकी तो इट विल वर्क फॉर यू। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूडर्मा मैक्युलेटम जो है वो चमगादड़ का नाम होता है, जिसके शरीर के ऊपर क्या है, सफेद चकते पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? भाई देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें आप लोगों से इस प्रकार से, देखो आपके पास अलग अलग प्रकार की रूट्स है। यहाँ पे ये रूट दिख रही होगी कि ये ऐसे शाखा है, शाखा में से जड़ निकल के आ रही है। ठीक है, सपोर्ट का कार्य कर रही है, प्रॉप का कार्य कर रही है। ऐसी रूट्स को आप प्रॉप रूट कहते हो। क्या कहते हो ऐसी रूट्स को? प्रॉप रूट कहते हो, क्योंकि ये क्या है, ये सहायक रूट्स होती है, ये सहायता देने का कार्य करती है। ये देखिए, ये क्या है, आपने गन्ने को देखा होगा, गन्ने के अंदर ना पैरों से ही, जो गन्ने की जड़ जो होती है या तना जो होता है, उसमें तने में नीचे की ओर से क्या होता है, कुछ सहायक जड़ें निकल के आती हैं ऐसी। ठीक है, इन जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखिए, ये वाली जड़ क्या है, तो देखिए, ये मुख्य जड़ है, ये क्या है, मुख्य जड़ है, इसको आप प्राइमरी रूट कहेंगे। इस मुख्य जड़ से ये जो इस तरीके की शाखा निकली, आप इनको सेकेंडरी रूट कहेंगे, और इससे जो ऐसी ऐसी शाखा निकल रही है, इनको हम क्या कह देंगे, टर्शियरी रूट कह देंगे। ठीक है, यानी कि तृतीयक
रूट कह देते हैं। इनके ऊपर ये जो तने हैं, ये जो शाखा बन रही है, वो सॉरी जड़ बन रही है, इनके ऊपर छोटे छोटे से रूट हेयर पाए जाते हैं, मूल रोम्ब पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से जो आपका पेड़ है वो पानी ग्रहण कर पाएगा, वो मिनरल्स ग्रहण कर पाएगा और कुछ हद तक श्वसन भी कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए मक्का और गन्ने के तने में कौन से भाग पाए जाते हैं, क्या आंसर कर दोगे? स्टिल्ट रूट है? नहीं। क्या कहोगे, स्टिल्ट रूट है कि नहीं? कहोगे यस मैम, डेफिनेटली यहाँ पे स्टिल्ट रूट ये होते हैं। प्रॉप रूट क्या है? ये हमारे बरगद आदि के पेड़ में, पीपल के पेड़ में मिलते हैं। ठीक है जी, चले आगे। हाँ देखो, बैट्स बैट्स अभी तक चमगादड़ पे अटके हुए हैं, थोड़ी देर में वेम्पायर निकल के आ जाएगा। आपको पता है कि जो है ना, जैसे मैमल्स की बात करते हैं, स्तनधारियों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्तनधारी जीव कौन से हैं? चूहे। चूहों की प्रजातियां सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद लगभग 1600 प्रकार के क्या होते हैं उनके पास, चमगादड़ होते हैं, जिनमें से तीन प्रकार के चमगादड़ क्या है, रक्त भक्षक होते हैं, मतलब रक्त चूसते हैं, वो सांग्विवोरस होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम वेम्पायर बैट्स कह देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक एक्शन एट अ डिस्टेंस बल है, मतलब दूर से ही बल लग जाता है, जल्दी से बताइए। टेंशन यानी कि तनाव, खींचे ओके पुल, तीसरा है ग्रेविटेशन यानी कि आकर्षण बल, और चौथा है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। क्या आंसर कर दोगे आप? क्या कह देंगे कि मैम देखिए, जब भी हम यहाँ पे एक्शन एट अ डिस्टेंस की बात करते हैं तो दूर से ही बल लग रहा है। अगर तनाव की बात करें तो मेरे पास जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक वो चीज, एक कोई भी स्ट्रैंड है, अगर मैं यहाँ पे तनाव देना चाहूं तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको खींच रही हूं तो मुझे इसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, तो ये तो डिस्टेंस से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो हमें सरफेस पे कॉन्टैक्ट करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे इसको टच करना पड़ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। पुल, अगर मैं किसी चीज को खींच रही हूं तो वहां पे भी मैंने क्या किया है, मैंने कॉन्टैक्ट में आई हूं उसके, तो मतलब ये भी डिस्टेंस पे नहीं है ये। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी की ओर लग रहा है, और उस पृथ्वी की ओर लग रहे गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा कि भैया जो भी आपकी वस्तु है वह क्या होगी, अगर आपने ऊपर भी उछाल ली है तब भी उस पर कोई कुछ टच नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो नीचे ही आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और यही क्या है, एक्शन एट अ डिस्टेंस बल हो जाता है। क्या है ये, एक्शन एट अ डिस्टेंस बल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑयल सीड्स, जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन सा तिलहन की श्रेणी में नहीं आता, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। इसके बाद ये नहीं, मतलब इससे पहले ये CHSL 2018 में रिपीट पहले ये पूछा गया था, फिर ये आपका CPO में पूछा गया। तो मैं कहती हूँ ना कि क्वेश्चन जो है आपके बार बार रिपीट होते हैं, एक पेपर से उठा के दूसरे पेपर में दे दिए जाते हैं, एंड इवन आपको कुछ प्रूफ ऐसे भी दिखाऊंगी जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर CDS के पेपर से क्वेश्चन उठा रखे हैं SSC ने एज इट इज। तो इस वजह से जो है ना, जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, आपका साइंसेस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल या फिर ओट्स का तेल। तो देखिए बेटा, सोयाबीन की बढ़िया आप लोग जो खाते हो ना उससे तेल नहीं निकलता, लेकिन अगर आप सोयाबीन को देखो तो वो जो बीन है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, और जहां पे भी आपको ऐसी चीजें मिले ना जिसका तेल, जैसे सोयाबीन का तेल सुनते हो ना, सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल सुनते हो ना मार्केट में, तो बेटा ये तिलहन है। ठीक है, ये एक प्रकार की दाल जैसा ही होता है सोयाबीन, और जब आप उसको दलते हो, ठीक है, मतलब जब आप उसमें से तेल निकालते हो, तो यस इट गिव्स तेल। ठीक है, तिल का तेल आता है, मूंगफली का तेल आता है बेटा, लेकिन ओट्स का तेल नहीं बनता है। क्या है यहाँ पे, ओट्स का तेल नहीं बनता है, तो आंसर हो जाएगा ओट्स। ठीक है जी, बताओ पर कहां से ज्वार बाजरा का तेल निकाल के लेके आ रहे हो। हाँ, अगर यहाँ पे आप लोगों से कहता ओट्स जर्म ऑयल, तब पॉसिबिलिटी थी कि आप थोड़ा बहुत तेल निकाल लो वहां से, जैसे व्हीट जर्म ऑयल होता है कि आपने गेहूं को अंकुरित किया और अंकुरित करने के बाद उसमें से तेल निकाला, तब पॉसिबल है। ओट्स जर्म ऑयल बहुत थोड़ी मात्रा में पॉसिबल है, लेकिन खाली ओट से नहीं है पॉसिबल, ध्यान रखोगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 डन है अपना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्रोकोडाइल्स हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट, मगरमच्छ का कितने कक्षीय हृदय होता है, मतलब ये ना हमारे एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से एक बार बताएंगे।
क्या कहोगे? ओके सैम, सुशील, वत्स, आनंद, ओके हर्ष, सुधीर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे यहाँ सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? क्या देखो, मगरमच्छ के डैश कक्षीय हृदय है, तो मगरमच्छ जो है ना होता एक रेप्टाइल है, ये सरीसृप है, ठीक है, इसके ऊपर शल्क मिलेंगे, ये सरक के चलेगा, ठीक है, इसके पास अपनी खुद की रीढ़ की हड्डी मिलेगी, ये अंडे देगा, लेकिन इसके पास हृदय कैसा होता है? चार कक्षीय हृदय होता है। कितना? चार कक्षीय हृदय इसके पास होगा। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा मगरमच्छ के बारे में, कि ये जो मगरमच्छ होते हैं ना, ये इनके पास दांत तो होते हैं, ठीक है। कुछ लोग मतलब सोचते हैं कि जो भी ये सरक के चलने वाले जीव होते हैं, इनके पास दांत नहीं होते। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जो भी सरक के चलने वाले जीव होते हैं, इनके पास दांत मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो मगरमच्छ के पास चार कक्षीय हृदय है, इसके अलावा और किस किसके पास होता है? पक्षी के पास होता है, और इसके अलावा स्तनधारी के पास क्या है? चार कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सॉल्ट पीटर इज अनदर नेम ऑफ शौरा, दूसरा नाम है डैश का, बताइए शौरा जो है वो किसका अन्य नाम हो जाता है? यस बिल्कुल सही अनुरावत, मध्य प्रदेश में, वेरी गुड पल्लवी, सुशील बहुत बढ़िया, हर्ष क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही। एमपी जो है वहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? सोयाबीन की खेती होती हुई मिलती है, ठीक है। हाँ, क्रोकोडाइल का ब्लड ठंडा होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है ठंडा? क्योंकि बेटा वो जो है अपने खुद के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड इवन आपको पता है कि इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो यहाँ पे मगरमच्छ के अंडों से मगरमच्छी निकलेगी कि मगरमच्छा निकलेगा, ये कैसे पता चलता है? ये टेम्परेचर से निर्धारित होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा मगरमच्छी बनेगी, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो मगरमच्छ बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, आ जाइए, सॉल्ट पीटर की बात करते हैं, शौरा की बात करते हैं, तो ये क्या है? देखिए सोडियम क्लोराइड, ये आपका कॉमन सॉल्ट है, नमक है, साधारण नमक, ठीक है। कौन सा? साधारण नमक। अच्छा, अगर इस साधारण नमक के अंदर आप NaCl के अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा? आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट, बेटा यही शोरा होता है, ये विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल होता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl हो जाता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या फिर कॉस्टिक सोडा आप इसको कहते हो, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से कहता है, डेट्रिमोर्स इन द सॉइल ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बताइए जरा जल्दी से, कि मिट्टी में डेट्रिटोवोर्स डेट्रिटिस को छोटे कणों में तोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। कैचअप ऑल इज ऑफ मिनरलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, या फिर लीचिंग, क्या कह दोगे बच्चे? देखिए कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है चीजों को तोड़ना, लेकिन ये शरीर के अंदर की प्रक्रिया होती है। कैटाबॉलिज्म आप बाहर नहीं कर सकते हो, बाहर अगर करोगे तो आप उसको फ्रेगमेंट कर रहे हो, या फिर आप उसको डेट्रिटेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन या विखंडन, यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा, विखंडन, ठीक है। क्या हो रहा है? ये विखंडन कर रहा होता है। डन है इतना, चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ऑर्गेनिजम्स दैट फॉल अंडर इन द डैश, बताइए कौन से जीवों में जो परमाणु झिल्ली है वह अनुपस्थित होती है? परमाणु झिल्ली का मतलब क्या है बेटा? कि अगर परमाणु झिल्ली किसी भी जीव के ऊपर उपस्थित होगी तो वह क्या होगा? वह आपका यूकेरियोट होगा, ससीम केंद्रक होगा। और अगर उसके केंद्रक के आसपास केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम असीम केंद्रक कह देते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट कह देते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोकैरियोट होगा उसी के बारे में बात हो रही है, असीम केंद्रक के बारे में बात हो रही है। और इनमें से असीम केंद्रक कौन हो जाता है? तो आप क्या कह दोगे? इनमें से असीम केंद्रक हो जाता है आपका मोनेरा, ठीक है। कौन हो जाएगा? मोनेरा, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सभी आपके असीम केंद्रक हो जाएंगे। इनका जो न्यूक्लियस होगा, इनका जो केंद्रक होगा, उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन एकदम सही है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कॉल द फार्मर्स फ्रेंड, द डैश हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज द लूजनिंग इन द सॉइल। देखिए इनमें से ऐसा कौन सा जीव
है जिसको हम किसान का मित्र कहते हैं, इतना कहते ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैम यहाँ पे केचुए की बात हो रही है। केचुए का जो पालन होता है उसको हम वर्मी कल्चर कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि केचुआ जो है वो अपना खाना कैसे, जैसे अभी देखो हमने डेट्रिवोर्स की बात करी थी, तो मिट्टी को तोड़ कैसे रहे, मिट्टी को काट कैसे पा रहे, तो इनके मुंह के अंदर एक प्रकार की मशीन है, उस मशीन को या उस प्रकार का जो सिस्टम भगवान जी ने उनके अंदर सेटअप किया है उसको हम गिजर्ड कहते हैं। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2018 में पूछा गया था, गिजर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट देखिए कि ये जो केचुआ होता है ये सांस कैसे लेता है, तो इसका रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट क्यूटिकल पाया जाता है, NCERT की एज इट इज लाइन है जो पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। सांस कैसे लेता है, मॉइस्ट क्यूटिकल के माध्यम से ये सांस लेता है, ठीक है। चले आगे, आज का होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कार्य करने वाले, मतलब बहुत लंबी सीरीज चलाई इन्होंने कार्य की और उसके माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के बारे में बताया, तो आप हमें ये बताइए वो कौन थे जिन्होंने इनके बारे में बताया था। आज का सेशन अच्छा लगा हो ना तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम यस हम इस तरीके के क्वेश्चंस करना चाहेंगे। अगर नहीं तो आप ये भी बता सकते हो कि नहीं मैम हमें ये नहीं करना है, क्या कैसे आप क्वेश्चंस को करना चाहते हो आप वो मेंशन कर सकते हो, या आप टॉपिक वाइज चलना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं वैसे कई बार टॉपिक वाइज चीजें करा चुकी हूं, तो आई थॉट कि चलिए अब आप लोगों को मिक्स क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई जाए। तो जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही आप लोगों का कल का इवेंट बनेगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बनो करोगे तो आपको इवेंट जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, तो जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यही विराम देते हैं। पल्लवी प्रिय बिल्कुल सही बेटा, ये जो आपका मॉइस्ट क्यूटिकल है ये स्किन पर ही मिलेगा, ठीक है, ये स्किन पर ही मिलता है, त्वचा पर ही मिलता है, ठीक है, और उसी त्वचा के माध्यम से क्या होगा यहाँ पे प्रसार होगा या डिफ्यूजन के माध्यम से क्या करता है ये अपना सांस लेने की प्रक्रिया करता है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग एक काम करेंगे यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ मेरी क्लास के बाद है अब ब्रजेन सर की रीजनिंग की क्लास, तो सभी बच्चे अब वहां पे स्विच हो जाएंगे, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। अब तो फिर से 100 जाने में 2-1 महीना तो लग जाएगा, सारा बच्चा गायब होता ही सर, सिंपल चीज है सर, वो स्टाइलस नीचे गिर गया, इसको स्टाइलस बोलते हैं, स्टाइल मारने के लिए स्टाइलस, ओके स्टाइलस।